प्रेज द लॉर्ड चर्च, मुझे खुशी हो रही है एक बार फिर से आपसे रूबरू होके इस YouTube के माध्यम से मैं आपसे एक बार फिर से बात करूंगा प्रभु के वचन के लिए। अच्छी बात तो यह है अब जल्दी हम मिलेंगे चर्च में, कलीसिया में एक साथ आराधना कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देना मांगता हूँ खुदा के लिए कि खुदा ने मुमकिन किया, अपनी सरकार के लिए धन्यवाद देना मांगता हूँ कि उन्होंने अलाउ किया कि हम 8 तारीख के बाद हम मिल पाएंगे और एक साथ जमा होके आराधना कर पाएंगे। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और ध्यान देंगे। आज एक खास बात प्रभु के वचन से आपके बीच में रखना मांगूंगा जो कि आपको मिलेगी अय्यूब की किताब उसका 5 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आए। अय्यूब की किताब 5 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आए, खासतौर से 22वीं आयत पे आपका ध्यान ले जाना मांगूंगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, तू विनाश और अकाल के दिनों में हसमुख रहेगा। लिखा तू विनाश और अकाल के दिनों में हसमुख रहेगा। आगे लिखा है और तुझे बिनैले जंतुओं से डर ना लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। एक वायदा, ये वायदा परमेश्वर का परमेश्वर के खादिम के साथ है। और आज मैं आपका इस पहली बात पे ध्यान ले जाना मांगूंगा, लिखा हुआ है 22वीं आयत में तू विनाश और अकाल के दिनों में हसमुख रहेगा। जी हाँ, बड़ी अजीब सी बात लग रही है, विनाश और अकाल के दिनों में। भाई इन दिनों में तो बड़ी टेंशन होती है, हम भयभीत होते हैं, हमको समझ भी नहीं आता है, हमको उपाय ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन प्रभु का वचन जो बात बता रहा है वो शायद हमारी समझ के बाहर है। जी हाँ, दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन अगर प्रभु के वचन में इस बात को लिखा गया है तो इसका मतलब ये सत्य है। तू विनाश और अकाल के दिनों में हसमुख रहेगा। ये दिन जो हमारे चल रहे हैं ये सचमुच विनाश के दिन है, बहुत कठिन दिन है, डिफिकल्ट टफ डेज। यस, वी आर गोइंग थ्रू टफ डेज, बट लेट मी टेल यू, देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर मी एंड फॉर यू दैट यू विल हैव लाफ्टर इन दीज डेज। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस वायदे के लिए कि जो अपने लोगों के साथ वो करता है। इसी तरीके की बात उसने होशे की किताब उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। होशे की किताब 2 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, देखो वो हमें हसमुख करके जंगल में ले जाएगा और वहां हमसे शांति की बात करेगा। जी हाँ, जंगल अच्छी परिस्थिति को नहीं दिखाता, अच्छे स्थान को नहीं दिखाता है, ये एकदम उसी की तरीके से है जैसे मानो विनाश और अकाल के दिन है। लेकिन लिखा है वो हमें हसमुख करके जंगल में ले जाएगा, इसका मतलब ये है कि जंगल में भी हम हसमुख रहेंगे, जंगल में भी हम आनंदित रहेंगे, जंगल में भी हमारे पास धन्यवादता का विषय। जी हाँ, दाऊद अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है, जंगल जंगल जा रहा है लेकिन धन्यवादता कर रहा है, शुक्रगुजारी कर रहा है, भजन लिख रहा है। और आज के दिन तक हम उन भजनों को गा रहे और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। लिखा है वो हसमुख करके हमें जंगल में ले जाएगा, उसके आगे लिखा है और वो हमसे शांति की बात करेगा। इन डिफिकल्ट टाइम में, इन कठिन दौर पे परमेश्वर हमें हसमुख करेगा और शांति की बात करेगा। जी हाँ, लोगों के फोन आते हैं, लोग हमसे बात करते हैं तो वो भयभीत करने वाली बात करते हैं, वो डराने वाली बात करते हैं, वो अपनी समस्याओं का वर्णन करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम का वर्णन करते हैं और इन प्रॉब्लम को सुन के हम और भयभीत हो जाते हैं। चाहे हम न्यूज़पेपर उठाए, चाहे हम न्यूज़ खोल के देखे, जो समाचार हमारे पास आते हैं, जो न्यूज़ हमारे पास आते हैं वो हमें केवल भयभीत करते हैं। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो इन्हीं डिफिकल्ट टाइम्स में, इन्हीं विनाश के दिनों में हमें हसमुख करेगा, हमारे साथ बना रहेगा और हमसे शांति की बात करेगा। आखिर क्यों ये शांति की बात का अनुभव हमको नहीं हो पाता, आखिर क्यों हम आनंदित नहीं हो पाते? हम तो पैसा बहुत परेशान हो जाते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता कहां से इंतजाम होगा। आपको कैसे बताएं, हमारा हाथ तो इतना टाइट हो गया है कि हमको समझ में नहीं आता है कि अब कल क्या होगा। हमारा राशन का कनस्तर खाली हो चुका है, हमको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है, अब तो शर्म आती है लोगों से मदद मांगते हुए। मुझे बताने दीजिए, परमेश्वर का वायदा आपके लिए और मेरे लिए, आखिर ये वायदा कब पूरा हो पाएगा? मैं पढ़ रहा था सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत की किताब में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है, उसका 8वां उसकी 5वीं आयत। श्रेष्ठ गीत की किताब उसका 8वां उसकी 5वीं आयत में एक बात लिखी हुई है जो आपके बीच में पढ़ना मांगूंगा, एक प्रेमिका के विषय में है।
ये एक प्रेम पत्र है और मैं आपके बीच में पढ़ना मांगूंगा। लिखा ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। इसका मतलब ये प्रेमिका है। जब भी वचन में प्रेमिका के बारे में वर्णन होता है, यानी कि कलीसिया के बारे में, मेरे बारे में और आपके बारे में वर्णन हो रहा है, लिखा ये कौन है जो अपने प्रेमी पे टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। इसका मतलब यह है कि ये प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ जंगल में है और आनंदित है और उसके पास कोई भय नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है और जंगल के रास्तों में भी ये अपने प्रेमी के ऊपर टेक लगाई है। अगर आप चाहते हैं आपके पास शांति की बातें पहुंचे, अगर आप चाहते हैं अकाल के दिनों में, अगर आप चाहते हैं विनाश के दिनों में आप आनंदित रहे, मुझे और आपको एक काम करने की आवश्यकता है जो इस प्रेमिका ने किया कि ये अपने प्रेमी पे टेक लगाई हुई है। क्या हम अपने प्रेमी पे टेक लगाए हुए हैं? क्या हम अपने प्रेमी पे भरोसा करते हैं? कोरा वंशी इस बात को कहने लगा, भजन 46 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है और संकट के दिन में अति सहज से मिलने वाला है, इसीलिए मैं किसी बात से ना डरूंगा, मुझे कोई भय नहीं होगा। कहने लगा मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला है। जी हाँ, कोरा वंशी का ये गीत दिखाता है, कोरा वंशी को पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पे है, वो अपने यहोवा पे टेक लगाए हुए। बहुत सी बार हम यहोवा पे टेक नहीं लगा पाते हैं, बहुत सी बार हमारे टेक बहुत सी और चीजों पे होते हैं, इस वजह से वो शांति की बात हमारे पास नहीं पहुंच पाती है, वो तसल्ली की बात हमारे पास नहीं पहुंच पाती है, हम विनाश में भयभीत होते हैं। लेकिन परमेश्वर का तो वायदा है कि आप विनाश और अकाल में आनंद होंगे, आप हसमुख रहेंगे, आपके पास शांति की बातें रहेंगी, आपके पास तसल्ली की बातें रहेंगी, आपके पास धन्यवाद के विषय रहेंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों, आइए आज की सुंदर सुबह में अपने जीवन को जांचें कि हमारा टेक कहां पे लगा हुआ है, हम किस पे तकिया कर रहे हैं, हमारा तवक्कुल कहां पे है। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत सी चीजों पे हमारा तकिया होता है, इसीलिए हम हसमुख नहीं रह पाते, इसीलिए हम भयभीत रहते हैं। दुनियावी तौर पे अगर देखा जाए तो तीन बातों पे मनुष्य का तकिया होता है, भरोसा होता है। मैं आपको वर्ड निकाल के पढ़ाना मांगूंगा यर्मिया की किताब उसका 9 बाब। जी हाँ, यर्मिया की किताब उसका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत में आपको पढ़ाना मांगूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ मनुष्य का भरोसा तीन चीजों में खास तौर से बना रहता है। यर्मिया की किताब उसका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत, यहोवा यू कहता है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पे, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। इसका मतलब दुनिया के लोगों का टेक किस पे होता है? सबसे पहले बुद्धि पे होता है, दूसरी बात लिखा है वीरता पे होता है, और तीसरी बात लिखा हुआ है धन पे होता है। आगे परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे कि वे मुझे जानता है और समझता भी है। जी हाँ, समझेगा तो वो जो अपने प्रेमी पे टेक लगाए हुए है। ये प्रेमिका जंगल में भी भयभीत नहीं है क्योंकि इसका टेक इसके प्रेमी के ऊपर अर्थात यीशु मसीह के ऊपर या यहोवा के ऊपर है। मेरा और आपका टेक क्या इन डिफिकल्ट टाइम्स में अपने यहोवा के ऊपर है, अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर है, या मेरा टेक है शायद है मेरी वीरता पे है, मेरी बुद्धि पे है, या मेरे पैसे पे है। मैं कुछ लोगों से मिलवाना मांगूंगा जिनका टेक है उनकी बुद्धि पे था, जिनका टेक है उनकी वीरता पे था, जो भरोसा अपने धन पे करते थे, उनके साथ क्या हुआ? आपको बताना मांगता हूं, दूसरा राजा उसका 7 बाब उसकी 2वीं आयत में, दूसरा राजा उसका 7 बाब उसकी 2वीं आयत में एक किस्सा लिखा हुआ है, एक भारी अकाल। जी हाँ, ऐसा अकाल आज से पहले कभी नहीं हुआ है कि लोग मर रहे हैं कबूतर की बीट धो के उसमें से अन्न का दाना चुनके खा रहे हैं, भयानक अकाल। लेकिन धन्यवाद देते, परमेश्वर का तो वचन कहता है कि तू विनाश और अकाल के दिनों में हसमुख रहेगा। यहाँ पे एक व्यक्ति था जो अपनी बुद्धि पे बहुत टेक लगाया करता था, अपनी बुद्धि पे बड़ा भरोसा रखता था, इसको परमेश्वर की नबी का भरोसा नहीं था, इसको यहोवा का भरोसा नहीं था। परमेश्वर का नबी आके इस तरीके की भविष्यवाणी करने लगा, कहने लगा कि यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सरा भर मैदा 1 शकेल में और 200 आर जौ भी 1 शकल में बिकेगा। तब ध्यान दीजिए वो क्या उत्तर देने लगा, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पे राजा तकिया करता था
परमेश्वर के भक्त को उत्तर दिया, सुन चाहे यहोवा काश के झरोके खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। इस सरदार को अपनी बुद्धि पे बहुत घमंड था, बहुत भरोसा था, जहां तक कि राजा भी इस पे टेक लगाया करता था, इस पे भरोसा रखता था, इससे काउंसिल लिया करता था, इससे एडवाइस लिया करता था। और यही सरदार कहने लगा खुदा के खादिम को, अगर खुदा आसमान में झरोके भी लगा दे तभी भी ऐसा नहीं होगा। इसके अंत में ये कहानी जब खत्म हो रही है 19वीं आयत में पढ़वाना मांगूंगा, 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देके कहा था, सुन चाहे यहोवा आकाश के झरोके खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। और उससे उसने कहा था, सुन तू ये अपनी आंखों से देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। 20वीं आयत, अतः उसके साथ ठीक वैसे ही हुआ, अथवा वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। ये सरदार जो अपनी बुद्धि पे भरोसा रखता था, तभी वचन बताता है नीति वचन की किताब उसका 3 बाब उसकी 5वीं आयत, तू अपने समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। खुदा के लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं इन डिफिकल्ट टाइम में, इन दुखदायी समय में आपका भरोसा आपकी बुद्धि पे था, हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा इंतजाम हो जाएगा, हम वहां चले जाएंगे, वहां से इंतजाम हो जाएगा, उनको फोन कर लेंगे, बहुत दिमाग लगाते हैं। चले बहुत सी बार अपना दिमाग लगाने की वजह से हमारे लिए उपाय नहीं हो पाता, हम इसीलिए हंसमुख नहीं रह पाते, हमारे पास इसीलिए शांति की बात नहीं आ पाती है। दूसरे व्यक्ति से मिलाना मांगूंगा जो अपनी सामर्थ पे भरोसा करता था, इस वीर अपनी वीरता पे भरोसा ना रखे। साफ साफ वचन में लिखा है ये एक वीर था और उसको अपनी वीरता पे बहुत भरोसा था और उसको लग रहा था कि जिस तरीके से अब तक मैंने सबको पराजित किया है एक बार फिर से मैं पराजित कर पाऊंगा। जी हाँ, न्यायियों की किताब उसका 16 बाब उसकी 20वीं आयत में जब ये उठा इसको पता चला पलिश्ती आ गए, कहने लगा अभी मैं बाहर जाके अपने आप को झटकूंगा और फिर से सबको तबाह कर दूंगा, सबको हरा दूंगा। हे समसून, तुझे तो मालूम ही नहीं है, तुझसे तेरा बल तेरा अभिषेक ले लिया गया है। तू जो अपनी वीरता पे भरोसा रखता था, अपनी सामर्थ पे भरोसा रखता था, अपनी ताकत पे भरोसा रखता था, हे मूर्ख, तुझे तो यहोवा पे तवक्कुल रखना चाहिए था, टेक लगाना चाहिए था। शायद अगर तूने ऐसा किया होता तेरा अभिषेक कभी तुझसे ना लिया जाता और तू आज भी चैन रहता। आखिरी व्यक्ति से मिलाना मांगूंगा, आपको इसका वर्णन मिलेगा लुका की किताब उसका 12 बाब उसकी 20वीं आयत, लुका की किताब उसका 12 बाब 20वीं आयत। इसको अपने पैसे पे, अपने धन पे बहुत भरोसा था, अपने धन पे टेक लगाता था। इन दिनों में, इन कठिन समय में अच्छे अच्छे धनवान के पास कोई भी उपाय नहीं है, सब बुरे हाल में है, सब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े योद्धा किसी योग नहीं रह गए। आपको मालूम है अगर कोई योग है वो जीवता परमेश्वर यहोवा है, जो मुझे इन अकाल के समय में, इन विनाश के समय में हसमुख कर सकता है और जयवंत कर सकता है और शांति की बातें मुझे करेगा, चाहे मैं जंगल में हूं या कहीं भी हूं। लेकिन उसकी मेरी आवश्यकता यह है कि मुझे उस पर टेक लगाने की आवश्यकता, यानी उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, उसको अपना शरण स्थान बनाने की आवश्यकता है, उसको खोजने की आवश्यकता है। बहुत सी बार हमारे लिए उपाय आता है कि हम यहोवा के निकट आए, हम उस पर टेक लगाए। कलीसिया में पासवान आपका इस तरीके का इंतजाम करता है, जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं शायद आप मेरी कलीसिया के नहीं होंगे, किसी और चर्च के होंगे, लेकिन कई बार आपका पासवान एफर्ट डालता है कि आपका टेक यहोवा पे लगे। बाइबल स्टडी के माध्यम से आपको इन्विटेशन दिया जाता है कि आपका भरोसा यहोवा पे जाए, सुबेरे प्रार्थना के माध्यम से कि उठो घुटने पे आओ ताकि परमेश्वर तुम्हें देखे और खुश होए, तुम्हें योग ठहराए। शायद इन बातों पे हम विश्वास नहीं करते क्योंकि हमारा टेक शायद हमारी बुद्धि पे होता है, हमारा टेक शायद हम अपने समझ पे रखते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, मुझे बताने दीजिए, स्पष्टता से मुझे बताने दीजिए, अगर हमारा टेक यहोवा पे नहीं है और यहोवा पे टेक लगाने का मतलब ही यह है कि आपको एफर्ट डालना है, बैठे बैठे नहीं हो पाएगा। इन 2 महीनों से हम शायद आराधनालय में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आराधना बंद नहीं हुई, आपके घरों तक आराधना पहुंची। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सचमुच आपने हर एक रविवार को आराधना का लुफ्त उठाया, आराधना की, आराधना में अटेंड किया, आपने अपने आप को लेके आए तैयारी के साथ? शायद कुछ का उत्तर होगा कि शायद हमने नहीं किया।
खुदा के लोगों, इस आखिरी मनुष्य से मिलवाना मांगूंगा। इसको अपने पैसे पे भरोसा था और कहने लगा कि हे मेरी जान खुश रहे, तेरे पास बहुत सालों तक बहुत सा पैसा है। कहने लगा मैं अपनी ब्याली को तोड़कर उसको बड़ा करूंगा ताकि मैं अपनी सारी उपज को वहां पे स्टोर करूं। आपको मालूम है खुदा का वचन उसी समय उसके पास पहुंचा, हे मूर्ख यदि तुझसे आज तेरा प्राण ले लिया गया तो इसका क्या फायदा। जी हाँ, अगर आज यहोवा की आमद हो जाए, अगर आज यीशु मसीह की आमद हो जाए, अगर आज आसमान का खुदा अपने पुत्र को भेज दे, आज अंतिम तुरी का शब्द हो जाए, क्या मैं और आप योग्य हैं? क्या मैं और आप इस काबिल हैं कि हम उसके साथ जाएं? क्योंकि जब हमको मौका मिला शायद हमने यहोवा को छोड़ के बहुत सी और चीजों पे टेक लगाया। अगर आपका टेक यहोवा पे है तो मैं आपको उससे कहूंगा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। लेकिन अगर आपको कहीं लग रहा है कि नहीं मुझे मौका मिला था लेकिन मैं परमेश्वर के निकट नहीं आ पाया, शायद आपके जेन्युइन रीजन होंगे या कुछ और रीजन होंगे, आज आइए इससे पहले मैं दुआ करूं आप अपने दिल में इस बात की प्रार्थना करें कि प्रभु अब से जो अब तक जो हुआ था उसे माफ कर, लेकिन आज से हमेशा मेरा तवक्कुल, मेरा टेक, मेरा भरोसा परमेश्वर आप पे होगा, आपके वचन पे होगा, पवित्र आत्मा आप पे होगा, क्योंकि आप ही मुझे योग करेंगे कि मैं आसमान के खुदा यीशु मसीह के साथ बादलों पे जाने वाला हूं। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते इस वचन के लिए, चाहते सुनने वालों को बड़ी आशीष दे, और जितने लोग अपने दिल पे हाथ रख के इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब तक हमने बहुत ढिलाई से काम किया, अब तक शायद हम बहुत आराम से थे, लेकिन प्रभु आज से वायदा करते हैं कि अब से और आगे को लेके हमेशा तक हमारा टेक यहोवा पे होगा, भरोसा यहोवा पे होगा। परमेश्वर की मदद कर ताकि ये वायदे को पूरा करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमेन।